ज्ञानी केतन एजुकेशनल केयर में चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है, इसके पहले 10th क्लास का एक वीडियो बनाया गया था। उस वीडियो में यूक्लिड एल्गोरिथम आपका मतलब उसके बारे में आपको बता दिया गया था कि यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड लेमा क्या होता है, वो सारा चीज आपको समझा दिया गया था। उस दिन हम आपको एक टाइप बता दिए थे कि यूक्लिड लेमा के हेल्प से या यूक्लिड एल्गोरिथम के हेल्प से HCF कैसे निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी एक्सरसाइज में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम आपके सामने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। सो स्टूडेंट लोग आप थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, प्रूफ दैट एन इन पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ टू क्यू प्लस वन। ओके स्टूडेंट, यही आपका क्वेश्चन है। Prove that any positive integer is in the form of 2q or 2q plus 1। बहुत ही आसान सा सवाल है स्टूडेंट आप लोग का, लेकिन बहुत स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, बोलते हैं हार्ड है, लेकिन ये जो है आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें मतलब क्या, इसमें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना रहता है, ये जो q का जो कोएफिशिएंट है उसी पे आपको ध्यान देना। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए देगा तो उस क्वेश्चन में जो क्यू का कोफिशियंट होगा वो आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है कि क्यू का कोफिशियंट क्या है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट इसका बनाने का तरीका आप देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सपोज दैट ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जो कि आपको जो यूक्लिड लेमा बताया गया था उस यूक्लिड लेमा में आपको a इक्वल बी क्यू प्लस आर बताया गया था। उसमें a का मतलब बताया गया था, b का मतलब बताया गया था, r का मतलब बताया गया था, सारा चीज आपको पहले बता दिया गया था इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, आज आपका केवल क्वेश्चन डील किया जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सपोज दैट a इक्वल बी क्यू प्लस आर, और उस दिन r के लिए हम एक शर्त भी आपको बताए थे स्टूडेंट, याद करने का आप लोग कोशिश कीजिए। वेयर जो r का वैल्यू होगा 0 से बड़ा और 0 के इक्वल, और b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा आपका आ रहा है कि अब जो a इक्वल बी क्यू प्लस आर हम लिखे इसके आगे क्या करना है। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग को प्रूफ करने के लिए रहता है, जैसे यहाँ प्रूफ करने के लिए आपको 2q है या 2q प्लस 1 है, तो कोई जरूरी नहीं है आपको ई टू के जगह यहाँ पे 4q या 4q प्लस 1 भी रह सकता है, 10q या 10q प्लस 1 भी रह सकता है, मतलब कुछ भी रहेगा। क्यू का जो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है, इसके जगह कुछ भी रह सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यही ध्यान देना है कि जो क्यू का कोएफिशिएंट रहेगा उसको बी के जगह पुट करेंगे। क्या करना है स्टूडेंट, क्यू का जो कोएफिशिएंट है, क्यू का कोएफिशिएंट क्या है, 2, यानी इस क्वेश्चन में हमको बी के जगह क्या करना है, 2 पुट करना है। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज और हम क्या आपको बताएं कि यहाँ इस क्वेश्चन में क्यू का कोएफिशिएंट 2 है, और भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें क्यू का कोएफिशिएंट अलग हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, एनीथिंग कुछ भी रह सकता है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर कि 1, 2, 3, 4 इतना ही रहता है, ऐसा नहीं है, वो 20 भी रह सकता है, 30 भी रह सकता है, इससे मतलब आपको नहीं है। केवल आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए देगा क्वेश्चन में, उसमें आप देखिए कि क्यू का कोएफिशिएंट आपका क्या है। तो यहाँ क्यू का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि बी के जगह पे 2 पुट करेंगे। Putting the value of b equal to in a equal bq plus r, आप लोग समझ रहे हैं ना,
मतलब b के जगह पे हम लोग को क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, ठीक है। तो जब हम लोग b के जगह 2 पुट कर देंगे तो आपका क्या हो गया, b के जगह पे 2 पुट कर दिए तो a इक्वल हो गया 2q प्लस r, वेयर r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा हो गया और b से छोटा होता है स्टूडेंट। तो b हम यहां पे क्या लिए हैं, b का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं 2, क्योंकि q का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो b के जगह पे हम यहां क्या रख दिए 2, ठीक है स्टूडेंट। इतना आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि r का पॉसिबल वैल्यू निकालना है, r का पॉसिबल वैल्यू निकालना है आपको, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। तो जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r निकालना है स्टूडेंट, तो आप यहां से समझना है आपको कि r का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगा। तो कंडीशन में क्या दिया हुआ है आप लोग थोड़ा सा समझिएगा स्टूडेंट, जैसे ये जो सिंबल है इसके नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब इक्वल भी है, ठीक है। जो इस तरह के जो सिंबल होता है बड़ा छोटा वाला और उसके नीचे एक पाई खींच देगा, इसका मतलब इक्वल का भी वहां बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ जो कंडीशन है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। कंडीशन क्या है कि आर का जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा और जीरो के इक्वल, मतलब जीरो से बड़ा भी है और जीरो का क्या है इक्वल भी है, मतलब आर का एक वैल्यू क्या हो गया आपका जीरो हो गया। फिर कंडीशन क्या कह रहा है कि टू से छोटा है, लेकिन आर का जो वैल्यू है जीरो के इक्वल है तो जीरो एक तो हो गया। फिर जीरो से बड़ा है लेकिन टू से क्या है छोटा है, यानी पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर हो गया जीरो और वन। ओके स्टूडेंट, बस ये आर का वैल्यू लिख लिए, ठीक है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट पे ध्यान देना है, ठीक है। एक सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लीजिए कि क्यू का कोएफिशिएंट क्या है, क्यू का कोएफिशिएंट क्या है, इसको आप अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन में देख के और इसको सिलेक्ट कर लीजिए, क्यू का कोएफिशिएंट क्या है। दूसरा चीज है कि R का पॉसिबल वैल्यू, R का पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या है, R का पॉसिबल वैल्यू क्या है। ये दो चीज आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आपको ये दो चीज पर डिसाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप पता कीजिए कि Q का कोएफिशिएंट क्या है और उसके बाद R का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में जो R का पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका R का जो पॉसिबल वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, जीरो और वन। अब क्या करना है कि इस पॉसिबल वैल्यू को यहाँ पे जो है R के जगह आपको क्या करना है, पुट कर देना है। मतलब एक बार हम R के जगह जीरो को पुट करेंगे और एक बार R के जगह आप क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन A इक्वल टू क्यू प्लस आर। ओके स्टूडेंट, मतलब R का जो वैल्यू है जीरो और वन वहां पे A इक्वल टू क्यू प्लस आर में आपको क्या करना है, पुट कर देना है, मतलब उसके जगह पे आपको रख देना है। तो देखिए A इक्वल आपका क्या है टू क्यू प्लस आर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि R के जगह जीरो रख देंगे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट वैल्यू आपका क्या है जीरो, यानी a इक्वल आपका क्या आ गया 2q आ गया। और नेक्स्ट जो है a इक्वल 2q प्लस r, तो हम r की जगह पे इसमें क्या करेंगे 1 रखेंगे। और क्वेश्चन में हम लोगों को क्या कह रहा था कि प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q, तो देखिए आपका 2q आ गया और 2q प्लस 1, तो देखिए 2q प्लस 1 आ गया, यानी हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूव हो गया, ठीक है स्टूडेंट। आशा है कि सब लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए कि आपको कोई दिक्कत है, कोएफिशिएंट लेने में कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट
देखिए स्टूडेंट, आपका जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका स्टूडेंट, वो भी आपका प्रूफ करना ही है, ठीक है। प्रूफ दैट 4n कैन नेवर इंड विथ जीरो, इंड विथ जीरो मतलब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि आपको प्रूफ करना है कि 4n कैन नेवर इंड विथ जीरो, मतलब जो 4n है वो उसके लास्ट में जीरो कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। कहीं कहीं आप देखिएगा कि बुक में जो क्वेश्चन देता है उसमें लिखता है कि प्रूफ दैट 4n कैन इंड विथ जीरो और नॉट, मतलब वो जीरो से इंड हो सकता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है कि जो 4n है वो कभी जीरो से इंड नहीं होता, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट, इसके लिए क्या करना है कि आपको जो है इन के जगह 1, 2, 3, 4 ये सब मतलब पुट करना है डॉट डॉट, आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपने सुविधा अनुसार पुट करना है, ऐसा नहीं कि अब इन के जगह आप 100 ले लीजिए। तो एग्जाम में स्टूडेंट आपको क्या करना है, वहां टाइम भी देखना है, पेज भी देखना है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं, बहुत स्टूडेंट करते हैं कि इन के जगह हम और कुछ नहीं ले सकते हैं, सर तो क्या लेना है, 100 ले लीजिएगा इन के जगह। तभी जब एन के जगह हम 100 लेंगे तो आप समझिए कितना लंबा जाएगा, समझ गए ना। तो आपको सुविधा अनुसार लेना है, जो आप कंस्ट्रक्शन पढ़े हैं तो कंस्ट्रक्शन में क्या बोला जाता है कि ड्राई लाइन, तो ड्राई लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि आपके स्केल में 25 सेंटीमीटर होता है तो आप 25 सेंटीमीटर का खींचेगा नहीं, आपको अपनी सुविधा अनुसार खींचना है, ठीक है। तो एन का जो वैल्यू है आप 1, 2, 3, 4 तक यहाँ पे शो कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मतलब प्रोसेस वही रहेगा आगे, लेकिन आपको यहाँ पे जो है अपने कॉपी में 1, 2, 3, 4 लेके उसको क्या कर देना है, शो कर देना है, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, 4n, तो सबसे पहले हम लोग 4n की जगह क्या करेंगे, 1 पुट किए, ठीक है स्टूडेंट। तो 4n मतलब क्या हो गया, 4 जैसे पावर और जो आपका एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़े थे कि कोई भी नंबर पे जितना पावर रहता है उतना बार उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो जैसे 4n है मतलब एक बार हम 4 लिखे, अब ये 4 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, 2 × 2 आएगा कि नहीं स्टूडेंट। प्राइम फैक्टराइजेशन आप 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास सब क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। तो 4 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका क्या आ गया, 2 × 2 आ गया, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, उसमें जो जो फैक्टर होगा ना वो आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो देखिए 2 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हम 4n रखेंगे तो 4n तो 4 × 4 हो गया, फिर 4 के जगह क्या लिखेंगे, 2 × 2 हो गया स्टूडेंट। 4n 3 तो 4 × 4 × 4 तो फिर 4 के जगह हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 फिर 4n 4 है तो इसको हम कितना बार लिखेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अब देखिए स्टूडेंट एक चीज आपको यहाँ ध्यान देने का जरूरत है, अब 4 का जितना भी पावर रख रहे हैं, जैसे हम 1, 2, 3, 4 तक को लिए, आप 5, 6, 7 जितना भी पावर रखना है आपको रख लीजिए, ठीक है। उसका जो आप फैक्टराइज कीजिएगा, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, उस प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा आपका क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है स्टूडेंट, देख लीजिए 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कोई कोई स्टूडेंट के मन में ऐसा सवाल क्वेश्चन रहता है कि जब हम यहाँ 4n का वैल्यू 4 तक लिए हैं तो 0 नहीं आया है, ठीक है, कहीं उसके आगे लेंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। आप यहाँ से n का कुछ भी मतलब पावर दीजिएगा, ठीक है, आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, मींस आप कह सकते हैं कि आपका जो फैक्टराइजेशन होगा आप उसको जो स्मॉलेस्ट नंबर में ब्रेक कीजिएगा वो आपका केवल क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अच्छा
अब इसके बाद हम लोग को क्या समझना है स्टूडेंट, कि कोई भी जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, मान लीजिए कि 4 पर पावर n, या आपको दे दिया क्या 15 पे पावर n, ठीक है ना। कभी भी मतलब जो उसके लास्ट में जीरो आता है, वो लास्ट में जीरो आने के लिए एक शर्त है। शर्त क्या है कि 2 के साथ साथ 5 भी होना चाहिए, यानी उसके फैक्टराइजेशन में, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 एक साथ आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। जब तक 2 और 5 एक साथ नहीं आएगा, तब तक उसके लास्ट में जीरो नहीं आ सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इस सब के लास्ट में क्या है, उसको जो फैक्टराइज किए हैं सब 2 आ रहा है, ठीक है। और जब तक यहाँ 5 नहीं आएगा, तब तक जीरो नहीं आ सकता है। सो स्टूडेंट, हम यहाँ लिखेंगे कि इफ 4 को पावर n कैन एंड विथ 0 व्हेन 5 इज प्रेजेंट इन द, 5 इज प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 पे पावर n, ठीक है। मतलब 4 पर पावर n 0 से इंड हो सकता है, कब, जब उसके प्राइम फैक्टर में 5 प्रेजेंट रहेगा, बट यहाँ 5 आपका प्रेजेंट नहीं है। तो लिखेंगे स्टूडेंट, बट ओवर हेयर 5 इज नॉट प्रेजेंट, 5 इज नॉट प्रेजेंट, सो 4 पावर n कैन नेवर इंड विथ 0, ओके स्टूडेंट, इंड विथ 0, ठीक है ना। मतलब हम यही बताया आपको कि जो हम लोग 4 को पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में बार बार आपका 2 आ रहा है, ठीक है। और 0 तभी आ सकता है जब 2 और 5 एक साथ आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम उसका शर्त लिख दे हैं कि इफ 4 को पावर n कैन एंड विथ 0 व्हेन 5 इज प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 को पावर n, मतलब 4 को पावर n के प्राइम फैक्टर में जब 5 शामिल होगा तभी 0 आ सकता है। बट यहाँ पे आपको कहीं 5 दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, कहीं नहीं है, ठीक है। आप n का कोई भी पावर लीजिएगा, उसमें 5 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो 4 का पावर n है कैन नेवर एंड विद 0, कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए स्टूडेंट, अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 अब आप लोग का है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 2q or 2q+1, ठीक है स्टूडेंट। कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा, तो वो स्क्वायर भी जो है आपका 2q और 2q+1 के फॉर्म में आएगा। अभी कुछ देर पहले हम लोग प्रूव किए थे कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो 2q या 2q+1 के फॉर्म में होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है कि उसका स्क्वायर भी अगर आप कीजिएगा, तो वो भी 2q या 2q+1 के फॉर्म में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट a = bq + r, where
जो r का वैल्यू है जीरो से बड़ा हो गया और b से क्या हो गया छोटा हो गया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट हम लोग में एक मतलब ऐसा स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि कोई भी फॉर्मूला हो या मतलब कोई टाइप का मैथ हो, ठीक है ना, उसको हम लोग रट लेंगे तो हम लोग को मतलब याद हो जाएगा, इस तरह का सोचते हैं। ठीक है, और यही रीजन है कि दो तीन दिन के बाद जो है हम लोग उसको बना लेते हैं, लेकिन दो तीन दिन के बाद हम लोग उसको भूल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो मैथ है आपका क्या है, प्रैक्टिस करने से आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका वही स्थिति है। ठीक है, क्लास में आपको लगेगा कि हम अच्छी तरह से समझ गए और दो तीन दिन बाद घर पे जाते हैं हम लोग तो उतना ध्यान देते नहीं है, दो तीन दिन के बाद पता चला कि अरे हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा है। इसलिए स्टूडेंट जो क्लास में आपको बताया जा रहा है, क्लास में अगर उसको एक बार बताया गया तो घर पर आप कम से कम 5 बार उसको बनाइए, तब जाके वो आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिए सपोज दैट a इक्वल bq प्लस r व्हिच वेयर r का जो वैल्यू है जीरो से बड़ा और जीरो के इक्वल और b से क्या हो गया छोटा। ठीक है, हम अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे स्टूडेंट कि q का वैल्यू आपको क्या पुट करना है, बताए थे सॉरी b का वैल्यू क्या पुट करना है। ठीक है, जो q का कोफिशिएंट होता है, जो q का कोफिशिएंट होता है वही हम लोग b के जगह क्या करते हैं पुट करते हैं। तो यहाँ पे q का कोफिशिएंट क्या है 2, तो पुट कीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल 2 इन a इक्वल bq प्लस r। ठीक है, मतलब a इक्वल bq प्लस r में आपको क्या करना है कि b के जगह पे क्या पुट करना है 2 पुट करना है। ठीक है, जो q का कोफिशिएंट रहेगा वही आपको b के जगह क्या करना है रखना है उसको। तो देखिए a इक्वल आपका क्या हो गया 2q प्लस r, वेयर जो r का वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो गया और b b के जगह पे हम लोग क्या लिए, देखिए b के जगह क्या लिए हैं 2। ठीक है, अब उसके बाद में स्टूडेंट आपको दो मतलब बताए थे इसके पहले कि इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको दो चीज पर ध्यान देना है, एक q का कोफिशिएंट क्या है और दूसरा चीज r का पॉसिबल वैल्यू क्या है, r का पॉसिबल वैल्यू। तो जो r का पॉसिबल वैल्यू है आपको यहां से डिसाइड होगा, आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, आपको r का वैल्यू पता हो जाएगा। तो यहां लिखिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल आपका क्या हो जाएगा, समझिएगा स्टूडेंट, r का जो वैल्यू है जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर मतलब जीरो आपका एक हो गया और टू से छोटा मतलब वन भी हो गया। ठीक है, यानी जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r आया जीरो और वन। अब हम लोग क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन a इक्वल टू क्यू प्लस r। ओके, जो a इक्वल टू क्यू प्लस r आया है उसमें r का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो r का वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0 और 1, तो आप पुट कीजिए a इक्वल टू क्यू प्लस r। तो सबसे पहले हम लोग r के जगह 0 पुट कर देंगे, तो a इक्वल आपका क्या हो गया 2q, और नेक्स्ट में जो है r के जगह हम क्या पुट करेंगे 1, 2q प्लस क्या हो गया 1। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है स्टूडेंट पूरा ध्यान दीजिएगा, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का ही नहीं कह रहा है, इसका स्क्वायर करने पर भी इसी फॉर्म में रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे वो भी इसी फॉर्म में रहेगा, कहीं कहीं ये स्क्वायर की जगह आपको क्या कहता है क्यूब कर देता है। ठीक है, कहीं कहीं स्क्वायर की जगह आपको क्या कहेगा कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसमें कोई दूसरा मेथड नहीं लगाना है, पहले इसी तरह से हम अपना पॉजिटिव इंटीजर निकाल देंगे और उसके बाद क्यूब कहेगा तो पावर 3 कर देंगे, अगर स्क्वायर कहेगा तो इसके पावर 2 कर देंगे। ओके,
तो हम लोग का जो पॉजिटिव इंटीजर आ गया स्टूडेंट वो क्या आया, एक आया a इक्वल टू q आया, और एक जो आया आपका a इक्वल टू q प्लस 1 आ गया। आया स्टूडेंट, तो देखिए क्या करना है, इसमें कह रहा था कि इसका स्क्वायर, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर और इधर 2q का स्क्वायर, यानी आपका क्या हो गया 4q स्क्वायर। अब 4q स्क्वायर को स्टूडेंट आप 2 into 2q स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो 2q का हम होल स्क्वायर किए वो 4q स्क्वायर हुआ, और 4q स्क्वायर को हम 2 into 2q स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट में 2 in m क्वेयर, m इक्वल आपका क्या हो गया 2q स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट ये भी जो है आपका 2m के फॉर्म में आ गया, ठीक है, m से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में हमको q कह रहा है, और यहाँ पर m जो 2q स्क्वायर है उसको हम लोग क्या कर लिए m मान लिए, ठीक है, जो प्रूफ करने के लिए देगा, जैसे मान लीजिए कि 4q आपको कहा, तो 4 के अलावे जो आएगा ना उसको एक अलग लेटर में हम मान लेंगे, जैसे हम यहाँ m इक्वल 2q स्क्वायर को मान लिए, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना था क्या 2q, ठीक है ना, तो 2 के अलावे जो आया उसको हम क्या कर लिए m मान लिए, ठीक है, 2 के अलावे, तो 2 के अलावे यहाँ क्या आया 2q स्क्वायर, तो उसको हम लोग क्या कर लिए m मान लिए। अब नेक्स्ट जो है इसका स्क्वायर कीजिए, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन अब हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनसे पूछे a प्लस बी के होल स्क्वायर, अब कुछ अपना अपने तरफ से बताने लगेंगे a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, मतलब उनको समझना नहीं है, ठीक है, आधा जो मैथ हम लोग का 50% जो गलत होता है हम लोग को आता है और समझते हैं नहीं कि क्या हमको करना है, ठीक है। मेरे अनुसार कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले आप पता कीजिए कि क्या हमको निकालना है, और उस निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ये दो चीज अगर आप स्टूडेंट पता कर लिए तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2q का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2q प्लस क्या हो 2q इंटू 1, अब 2q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4q स्क्वायर, प्लस 4q प्लस क्या हो गया 1। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जो 4q स्क्वायर और प्लस 4q है इसमें से आप 2 कॉमन कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि फैक्टराइजेशन आप पढ़े हैं 9th क्लास में, तो 4q स्क्वायर और 4q में से 2 हम लोग कॉमन कर सकते हैं ना। और बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, बोलेगी सर सर 4 नहीं कॉमन होता सर, तो अरे जो हमको जरूरत है वो चीज हम करेंगे ना, तो हमको प्रूफ करने के लिए क्या दिया था 2q प्लस 1, मतलब हमको कॉमन क्या करना है 2 करना है, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे। अब देखिए इसको 2 जो ब्रैकेट के अंदर है आपका उसको आप a में मान लीजिए। अब बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा सर a में मानेंगे सर, नहीं आप कुछ भी लेटर लीजिए, o लीजिए, x लीजिए, y लीजिए, z लीजिए, कुछ भी आप लीजिए, ठीक है। हम q यहाँ इसलिए नहीं लिए क्योंकि पहले ही हम लोग क्वेश्चन में q यूज कर चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए m ले लिए, आप m के जगह कुछ भी ले सकते हैं, ए टू जेड तक जो लेटर है उसमें से कोई भी लेटर ले सकते हैं क्यू के अलावे, ठीक है। वेयर वेयर एम इक्वल आपका 2q स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2q, यदि आपका क्या हो गया स्टूडेंट प्रूव हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो एक टाइप का और क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत एग्जाम एग्जाम में भी वो पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट, सो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और रहता है आप लोग का स्टूडेंट, कि देता है कि इफ एचसीएफ इज 16 एंड
and LCM is 225. Okay, if HCF is 16 and LCM is 225. Okay, student, या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि if HCF of two number is, okay, two number यहाँ छूट गया था, if HCF of two number is 16 and LCM is 225 दिया हुआ है आपको। इसके बाद आपसे क्या पूछता है कि is it possible or not। और उसके बाद हम लोग को क्या दे देता है कि give reason। अब जैसे ही give reason लिखता है तो स्टूडेंट लोग थोड़ा समस्या में पड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीजन देने के लिए आपको बोल दिया, ठीक है, ऐसे पूछता है कि इज इट पॉसिबल और नॉट, तो हम लोग क्या करते हैं कि कहीं से चीट कर लिए या पीछे आंसर से देख के वहां या सब नो लिख दिया, ठीक है, लेकिन जब गिव रीजन कहता है तो थोड़ा हम लोग समस्या में पड़ जाते हैं कि क्या ना क्या रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। इसका सिंपल रीजन है, ठीक है, आप लोग एक चीज इसमें याद रखिएगा कि हमेशा जो LCM होता है, ठीक है, कोई भी अगर दो नंबर का आप HCF और LCM निकालिएगा, अगर HCF और LCM आप सही सही निकाले हैं तो हमेशा जो LCM होगा वो HCF से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, कंप्लीटली कंप्लीटली डिविजिबल डिविजिबल बाय HCF। याद रखना है आपको कि LCM जो होता है हमेशा HCF से क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको जो HCF दिया हुआ है उससे आप LCM को डिवाइड करके देख लीजिए, तो HCF आपका क्या है स्टूडेंट, जो HCF है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 16, LCM आपका क्या दिया हुआ है 225, तो आप 16 से 225 को डिवाइड कीजिए, 16 1 जा 16 16 6 जा 64, यानी आपका रिमाइंडर क्या बच गया 1। जब रिमाइंडर मतलब अगर जीरो अगर रिमाइंडर आ जाता है तब भी आप उसको कंप्लीटली कर सकते हैं, डिविजिबल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब जो है कि 225 क्या है 16 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको हम पहले क्या बताए थे कि जो LCM होगा अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पॉसिबल, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो हम वहां पे क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ 225 हम लोग का LCM है और 16 क्या है HCF है, और मतलब हम लोग का रूल क्या है कि जो LCM होता है वो HCF से मतलब पूरा पूरा क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है, जबकि यहाँ नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स रीजन इज दैट LCM is completely divisible by HCF. Okay, but Over here, LCM is not completely divisible
डिविजिबल बाय HCF। ओके स्टूडेंट, तो आशा है कि ये जो आपका चार तरफ मतलब क्वेश्चन था वो मतलब कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, इस तरह से मतलब आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही टाइप का आपका क्वेश्चन है, आप लोग अपना बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो कल है आपका वो इसके अगले एक्सरसाइज कल नहीं कर सकते हैं, मतलब जिस दिन आपका वीडियो अपलोड होगा उसमें मतलब इसके अगले जो एक्सरसाइज है उस पे चर्चा किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो थैंक्स।